वीडियो में एक अनाउंसमेंट मैं आज करने जा रही हूँ कि मैंने आपसे एक बार बोला था कि मैं जब भी मेरा 100 वीडियो कंप्लीट होगा मैं गिवअवेज दूंगी। तो इस बार मेरे 200 से अबव वीडियोस हो चुके हैं और मैंने गिवअवेज अनाउंस नहीं किए थे। एंड गाइज, आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो 300 से अबव नहीं है, अंडर 300 हैं वो सारे प्रोडक्ट। हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल #NeetuShree। होप यू ऑल आर गुड। तो गाइज, आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद माई न्यू वीडियो जो कि होने वाला है मेरा वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल का 25th पार्ट। और आज मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रही हूँ इस लुक को क्रिएट करने के लिए, वो मैंने लिए हैं मार्स कॉस्मेटिक्स से। यस गाइज, मैंने रिसेंटली आपको एक छोटा सा मिनी हॉल दिखाया था मार्स कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स का, तो फिर मेरे और भी प्रोडक्ट्स आ गए तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने श्रेया जैन से इंस्पायर होकर मार्स कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैंने खुद ही मंगाए हैं। जो जो उन्होंने सजेस्ट की थी चीज़ें वो मैंने मंगाई हैं। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल माई लुक हैज टर्नड आउट। I am very happy with my look. आपको कैसा लग रहा है मेरा ये look? Please comment section में ज़रूर लिखिएगा। तो मेरे thoughts क्या हैं इन products को लेकर वो भी मैं आपको last में बताऊँगी। और yes guys, ये वाला look मैंने आज create किया है, pinky look। And one more thing guys, इस video में एक announcement मैं आज करने जा रही हूँ कि मैंने आपसे एक बार बोला था कि मैं जब भी मेरा 100 वीडियो कंप्लीट होगा मैं गिवअवेज दूंगी। तो इस बार मेरे 200 से अबव वीडियोस हो चुके हैं और मैंने गिवअवेज अनाउंस नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी। मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैं 1000 तक अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं ला पा रही हूँ। मे बी मेरे कंटेंट अच्छे नहीं होते होंगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल ये मुझे करना पसंद है, दिस इज़ माई पैशन मेकअप, तो मैं वो करती रहती हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1000 सब्सक्राइबर हो या ना हो। लेकिन गाइज, मेरे दो सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट किया है, तो मैं उनके लिए कुछ गिवअवेज देने जा रही हूँ इस वीडियो में। वो अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ और मैं उनके नाम भी बताऊँगी आपको। ट्रस्ट मी गाइज, वो दोनों गर्ल्स हैं, उन दोनों गर्ल्स ने हर बार मेरे को प्रमोट करने की कोशिश की है, मेरे वीडियोस को बूस्ट किया है, पोस्ट किया है, दूसरे जगह शेयर किए हैं स्टोरीज पे इंस्टाग्राम की। एंड काफ़ी एफर्ट किए उन्होंने लेकिन फिर भी मेरा चैनल शायद नहीं ग्रो कर पा रहा है। इट्स ओके, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है किसी से, बट मैं अपनी खुशी से उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो वो जो दो गर्ल्स हैं, मैं उनके नाम पहले आपको बता देती हूँ, उसमें से एक है पूजा शाह एंड दूसरी शाजिया सिद्दीकी। इन्होंने हमेशा मुझे प्रमोट किया, मुझे मोटिवेट किया, इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी, अपनी स्टोरीज पे मेरे वीडियोस को शेयर किया और हर बार मुझे कमेंट्स भी दिए, चाहे मेरा वीडियो अच्छा हो चाहे बुरा हो। सो स्वीट एंड थैंक यू सो मच पूजा एंड शाजिया, आपने मेरे लिए बहुत 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 किया इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई हूँ। मैं हमेशा सोचती थी मैं क्या करूँ इनके लिए, इन्होंने मेरे को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की, मेरा मुझे मोटिवेट करती रही, मुझे इंस्पायर करती रही कि नहीं आप करते रहो। तो इसलिए मैं उनको इस वीडियो में कुछ गिवअवेज देने जा रही हूँ, वो मैं अनाउंस कर रही हूँ। बहुत जल्दी उनके घर तक मेरे गिफ्ट्स पहुँच जाएंगे। एंड येस, वो मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं। तो मैंने जब ये मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए थे तो ये मार्स कॉस्मेटिक्स की आई शैडो पैलेट्स मुझे मिली हैं दो, तो मैं इनको ही उन्हें भेजना चाहती हूँ, वन टू पूजा एंड द अदर टू शाजिया। होप उन्हें मेरे गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा ये आई शेडो पैलेट्स। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट्स हैं, काफ़ी पिगमेंटेड इनके शेड्स हैं, काफ़ी अच्छे मेटालिक शेड्स हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी है आई शेडो पैलेट्स। लेकिन आज मैंने अपने इस लुक में इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे भेजनी थी, तो मुझे लगा अगर ये ख़राब हो जाएंगी तो उन्हें लगेगा मैंने यूज़ करके भेजा है, इसलिए तो मैंने आज दूसरी ही आई शेडो पैलेट को और उनके मार्स कॉस्मेटिक्स के अदर प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये आई लुक क्रिएट किए हैं आज के। तो होप पूजा एंड शाजिया आपको एक ये गिफ्ट ज़रूर पसंद आएंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना मेरे लिए करने के लिए।
एंड मैं जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो मैं फिर से गिव अवेज अनाउंस करूंगी। एंड इस बार मैं पहले की तरह अनाउंस करूंगी, लाइक एक कंपटीशन रखूंगी उसके बाद। ये तो मैं उन दोनों को देना चाहती हूँ अपनी खुशी से, ये कोई कंपटीशन नहीं था गाइस। सो या तो चलिए, इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो चुका है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो और मैं दिखाती हूँ मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मार्स कॉस्मेटिक्स के लिप ग्लॉसेस हैं ये, जो 129 रुपीज़ में 3 पीसेज मिले हैं, और इससे ही मैं आज अपना आई लुक करने जा रही हूँ। मैंने इसमें से एक पिंक वाला शेड उठाया है और उसको अपनी आईज़ पर मैं लगा रही हूँ, अपने लिड पर लगा रही हूँ, और ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, एक बार सेट हो जाएंगे फिर कहीं मूव नहीं होते हैं। एंड ये ग्लॉस लिखे हैं बट ये ग्लॉस नहीं है, डेफिनेटली ये परमानेंट लिपस्टिक हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। अब मैंने एक रैंडम आई शेडो पैलेट ली है और उसमें से मैं एक डार्क पिंक शेड लेकर और उसके बाद मैं वाइन शेड लेकर थोड़ा सा इंटेंस कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर्स को। अब मैं ले रही हूँ ये ब्लिंगिटॉन ग्लिटर पैलेट नंबर 2। ये ग्लिटर प्रेस ग्लिटर्स की पैलेट है फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, और इसको ही मैं अपने आईलिड पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पहले इसमें से रेड कलर के ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं सेंटर ऑफ माय आईलिड, एंड इनर कॉर्नर्स पे मैं सिल्वर एंड गोल्ड को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने लिया है मार्स आई लाइनर विद अल्ट्रा फाइन टिप, दिस इज़ वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ, एंड ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आप इससे विंग्स क्रिएट कर सकते हो काफ़ी ईजली। बिगिनर्स के लिए आई हाईली सजेस्ट दिस प्रोडक्ट, एंड काफ़ी ब्लैक एंड इंटेंस है। अब मैं ले रही हूँ ये मस्कारा फ्रॉम मार्स, दिस इज़ मार्स फैब्यूलैश मस्कारा, दिस इज़ सच अ गुड मस्कारा, हाईली रिकमेंड, काफ़ी रीजनेबल है, एंड इससे आपकी लैशेज को कर्ल्स, वॉल्यूम एंड लेंथनिंग सब कुछ मिल जाती है। अब मैं ले रही हूँ मार्स टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, दिस इज़ ऑल्सो सच अ गुड प्रोडक्ट, इसकी हेल्प से मैंने आज अपना पूरा बेस किया है, आई मीन टू से प्राइमर की जगह मैंने इसको यूज़ किया, एंड बहुत अच्छा ग्लोई रिज़ल्ट आया, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे ड्यूई एंड ग्लोई मेकअप बहुत पसंद है। तो ये पोर फिलिंग प्राइमर नहीं है लेकिन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। अब मैंने लिया है मार्स बीबी क्रीम स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग, मेरा शेड है इसमें मीडियम, एंड गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, ये पहली बीबी क्रीम है जो इतनी अच्छी कवरेज दे रही है, बहुत अच्छी कवरेज दी है इसने मुझे, लाइक फाउंडेशन की तरह। अगर आपको शेयर करना हो थोड़ा सा, आप इसमें मॉइस्चराइज़र मिला सकते हैं। अब मैंने लिया है मार्स सील द डील कंसील कंसीलर है ये, इसका शेड है नेचुरल, एंड इसने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है, काफ़ी अच्छा जॉब अपना किया है इसने, और मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। बहुत अच्छा कंसीलर लगा मुझे ये भी, प्राइस के हिसाब से काफ़ी बजट फ्रेंडली एंड काफ़ी अमेजिंग कंसीलर है ये। अब मैं ले रही हूँ मार्स सिल्की स्किन पाउडर, इट कंसील्स स्मूथ्स एंड हाइड्रेट्स, एंड ट्रस्ट मी सच में काफ़ी हाइड्रेटिंग पाउडर है, ड्राई स्किन पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है, बट मैं अपनी ऑयली गर्ल्स को मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। जो आज मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की है वो है मेकअप रेवोल्यूशन की, और उसमें से ही मैंने पिंक शेड लिया है अपनी लोअर लैश लाइन में, मैं लगा रही हूँ ब्लेंड कर रही हूँ, फिर उसमें से एक ब्लैक शेड लेकर मैंने क्लोज टू माय लैश लाइन लगा लिया है, फिर से मैंने मस्कारा लिया है और उसको अपनी लोअर लैश लाइन पर मैं लगा रही हूँ। अब मैंने सेम लिपस्टिक लिए यानी कि लिप ग्लॉस लिया है पिंक वाला, और उसको मैं अपनी चीक्स पे लगा के फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लश नहीं था, तो इसने ब्लश का काम बहुत अच्छे से कर दिया है। मैंने आई शेडो पैलेट से, मेकअप रेवोल्यूशन वाली आई शेडो पैलेट से मैंने थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग और अपनी नोज़ को कॉन्टोर किया है। फॉर सेटिंग स्प्रे मैंने लिया है मिस क्लेयर का ड्यूई सेटिंग स्प्रे, और इसकी हेल्प से मैंने अपने मेकअप को सेट कर दिया है। अब मैंने लिया है वेलोर हाइलाइटर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स, और ये काफ़ी पिंक टोन में है हाइलाइटर, बट ये बहुत मुझे ब्लाइंडिंग नहीं लगा, काफ़ी सटल दे रहा था, पिंकी लाइक पिंकी ब्लश जैसा है शीन के साथ। तो ये इसका स्वॉच देखिए, काफ़ी लाइट है, फेयर स्किन के लिए ब्लश का काम भी कर सकता है, ओके ओके प्रोडक्ट है। तो मैंने सेम ही अप्लाई किया अपने ब्रो बोन्स और टियर डक्ट एरिया पर भी।
अब मैं ले रही हूँ ये मैजिकल पैलेट जो मुझे बहुत पसंद आई, ये है मार्स इन्फिनिटी लिप पैलेट एंड दिस इज़ सच अ गुड पैलेट। काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, तो मैंने इसमें ही इसकी स्पूली की हेल्प से एक शेड लेकर अपने लिप पर अप्लाई किया है और एक स्वॉच में ही इसने मेरा पूरा लिप कवर कर दिया। और मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो मैं इस पर ही थोड़ा सा वाइट लिपस्टिक अब लगा दूंगी और उसको ब्लेंड कर दूंगी तो ये थोड़ा सा शेड लाइट हो जाएगा। तो मुझे ये पैलेट इसीलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें मिक्स एंड मैच करके आप कोई भी शेड बना सकते हो एंड कलर पिगमेंटेशन इज़ सो गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग। फॉल्सीज भी मैंने अप्लाई कर ली है। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक जो मैंने आज अचीव किया है यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मार्स कॉस्मेटिक्स। कैसा लग रहा आपको मेरा लुक? है ना ब्यूटीफुल सर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना ये लुक। तो चलिए मैं अब आपको अपने फाइनल थॉट्स देती हूँ क्योंकि ये वीडियो में मैंने मार्स कॉस्मेटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो फर्स्ट टाइम ही यूज़ किए हैं। इससे पहले मैंने सिर्फ उनका स्केच आईलाइनर, जो पेन आईलाइनर होता है, वो मैं यूज़ करती थी पहले से एंड वो तो बहुत अच्छा था, मगर इस वीडियो के लिए मैंने सारी चीज़ें नई मंगाई थी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या बहुत अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी। लाइक मुझे ऐसी तो कोई भी चीज़ है जो नहीं अच्छी लगी, हाँ कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा लगा कुछ कम अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके प्राइमर से। तो ये है टेक अ ग्लो, मार्स का टेक अ ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड आप देख सकते हो प्राइमर के साथ ये कितना ड्यूई एंड ग्लोई मेरा मेकअप टर्न आउट हुआ है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी बजट फ्रेंडली है और यस आई हाईली रिकमेंड दिस। लाइक ये एक स्ट्रोबिंग क्रीम जैसा है, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है एंड इट्स लाइक अ स्ट्रोबिंग क्रीम। ये आपके पोर्स को फिल नहीं करेगा लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देगा जैसे कि इसने मुझे दिया है। एंड गाइज, आज के वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो 300 से अबव नहीं है, अंडर 300 हैं वो सारे प्रोडक्ट्स। तो मार्स कॉस्मेटिक्स ने इतने कम अमाउंट में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आई जस्ट कान बिलीव। बहुत अच्छा इन्होंने किल कर दिया। कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ऑसम है एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली भी हैं। तो जो मेरी गर्ल्स हैं जो बहुत महंगा मेकअप नहीं ले सकती हैं, आप मार्स कॉस्मेटिक्स में जाकर परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं, अंडर 300 रुपीज़ हैं सारी चीज़ें, कोई भी उसके अबव नहीं है। एंड प्राइजेज आपको मेरे वीडियो में दिखते ही रहे होंगे, बीच बीच में आपने देखे ही होंगे कितने रीजनेबल हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्स बीबी क्रीम स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग और मेरा इसमें शेड है मीडियम एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये भी बहुत अच्छी बीबी क्रीम है। ये आपको इतनी अच्छी कवरेज दे रही है, आई थिंक पहली बीबी क्रीम होगी जिसने इतनी अच्छी कवरेज दी है मेरे फेस को। बीबी क्रीम काफ़ी शेयर होती हैं बट ये काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कवरेज दे रही है, बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड ये बहुत भी एकदम भी ड्राई नहीं हो रही थी, यानी कि ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बीबी क्रीम ऑल्सो। इसमें चार पांच शेड्स आते हैं, आप अपने शेड के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। मैंने मीडियम मंगाया है एंड लुक बहुत अच्छा से मैच किया है इसने मेरे फेस को एंड बहुत ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप टर्न आउट हुआ है। तो मुझे ये बीबी क्रीम भी बहुत पसंद आई। नेक्स्ट अप मेरे पास है मार्स का ये सिल्की स्किन पाउडर, कंसील्स ब्लेमिशेस एंड स्मूदन्स आउट स्किन। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, लुक एट द पैकेजिंग, सो लग्जूरियस एंड इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एक मिरर भी मिल रहा है, एक आपको कॉम्पैक्ट यहाँ पर मिलता है और आप जब ओपन करते हो तो यहाँ पे एक और आपको कॉम्पैक्ट का थोड़ा सा डार्क शेड मिलता है उससे एंड देन आपको एक स्पॉन्ज भी मिल जाता है इसमें। तो इतने कम प्राइस में ये तीन चीज़ें इसमें मिल रही हैं एंड ट्रस्ट मी इसने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं देता है आपके फेस को, एक ड्यूई इफेक्ट दे रहा है। तो अगर बहुत ड्राई स्किन जो लोग हैं, ड्राई स्किन पीपल हैं, उनके लिए ये फाउंडेशन ये पाउडर कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हो। अगर ऑयली स्किन वाली गर्ल्स हैं उनके लिए आई डोंट थिंक ये काम करेगा क्योंकि ये काफ़ी ड्यूई इफेक्ट दे रहा है और ऑयल को कंट्रोल आई थिंक ये नहीं कर पाएगा, या तो आप इसका टचअप करते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मेरे पास है ये मार्स कॉस्मेटिक्स का सील द डील कंसील एंड ये एले गर्ल के कंसीलर्स को रिमाइंड कराता है। इसमें ये ब्रश
वाला फॉर्म है, लाइक आपको स्क्वीज करना है इसको एंड ये ब्रश की तरह ऊपर आएगा। एंड जैसे कि आपने मुझे यूज़ करते देखा ही था अभी, तो ये शेड है मेरा इसमें नेचुरल एंड ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बजट फ्रेंडली एंड लुक एट द वर्क इट हैज़ डन, लाइक बहुत अच्छे से इसने जॉब किया है अपना। बहुत मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसमें दो चार शेड्स और भी हैं, जो भी आप शेड लेना चाहो वो ले सकते हो। तो या ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, नो कंप्लेंट्स, आई लाइक इट। इतने कम बजट में एक चीज़ और बहुत अच्छी है मार्स कॉस्मेटिक्स की, कि ये क्रूल्टी फ्री एंड वीगन भी हैं प्रोडक्ट्स। यस, और क्या चाहिए यार, इतने कम बजट के प्रोडक्ट एंड इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं। एंड मैं फिर से बोल दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ही मंगाया और मैं बहुत खुश हूँ इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। अब बात करेंगे इस बॉक्स की, ये है मार्स के लिप ग्लॉसेस। इसमें तीन बुलेट्स मिलती हैं छोटू छोटू सी, एंड इन्होंने लिखा है ये लिप ग्लॉस है, बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी लिप ग्लॉस नहीं है, ये पूरी तरह से मैट हो जाते हैं एंड इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसी को मैंने इसको यूज़ करके आज अपना आई लुक क्रिएट किया था। बहुत प्रिटी हैं ये शेड्स इसके, बहुत प्यारे हैं तीनों ही शेड, बहुत अच्छे लगे मुझे। ये थोड़ा रेडिश पिंक शेड है, देन इसमें एक ये न्यूड वाला शेड है, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। काफ़ी रस्टी ब्राउन शेड है ये, लाइक हल्का सा रेड टोन के ही साथ है, बट ये बहुत अच्छा है शेड, मुझे बहुत पसंद है ये। एंड द लास्ट वन इज़ दिस वन, ये थोड़ा सा पर्पली वाइन या मरून शेड आप कह सकते हो। तो तीनों ही शेड बहुत अच्छे हैं एंड ये बहुत सस्ता, आई थिंक 150 रुपीज़ में तीनों मिल जाते हैं। छोटू से हैं, क्यूट से हैं, स्मेल भी बहुत अच्छी है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, तो आप इसको किसी को गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। बट मैं तो ये गिफ्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं खुद अपने लिए रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे। तो या ये भी मुझे बहुत पसंद आए। नेक्स्ट अप एक जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसने तो बिल्कुल मतलब मेरा दिल जीत लिया है। तो ये मार्स कॉस्मेटिक्स का फैब्युलैश मस्कारा, फैब्युलैश मस्कारा। यार इतना अच्छा, इतना सस्ता मस्कारा है ये। आप देख, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैंने लैशेस लगा ली हैं, फॉल्सीज लगा ली हैं, बट ये बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आपकी लैशेस को कर्ल कर देता है, लेंथनिंग प्रोवाइड कर देता है, कर्ल भी कर देता है, वॉल्यूम भी दे देता है। ऑल द थ्री थिंग्स आर इन्फ्यूज्ड इन दिस मस्कारा। आई हाईली 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 रिकमेंड, जो बहुत कॉस्टली मस्कारा नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाते उनके लिए मस्कारा बहुत अच्छा है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें लिखा है इन्होंने आई थिंक वाटरप्रूफ है, बट आई डोंट थिंक ये वाटरप्रूफ है। और बस इसमें एक छोटी सी मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि ये ड्राई थोड़ा देर में होता है, दैट्स इट, बाकी तो ये बहुत अच्छा है। लुक एट द पैकेजिंग, लाइक ये किसी महंगे मस्कारा से कम नहीं है। लुक एट द वॉन्ट। सो या गाइज, ये तो सारे प्रोडक्ट्स में बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट अप है मेरे पास ये ब्लिंग इट ऑन ग्लिटर पैलेट, नंबर 2 है ये, इसका एक नंबर 1 भी आता है, तो ये भी बहुत अच्छी है। कितने प्रिटी शेड्स हैं इसमें, लाइक अगर आप एक प्रोफेशनल हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आपको ये बहुत काम देने वाली है, लाइक मुझे बहुत देने वाली है मेरे लिए। एंड आज मैंने बहुत अच्छे से ग्लिटर्स यूज़ किए हैं अपनी आईज़ पे, तो या मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अदर प्रेस्ड ग्लिटर्स से, लाइक ये भी प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, तो ये मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास यूरोप गर्ल की है, मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया था, वो ज़्यादा लाइक उसको एक टच भी करो और बहुत सारे ग्लिटर्स पिक हो जाते हैं, मगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा सा प्रेस करना पड़ता है फिंगर को एंड तब ये इतने आते हैं, लाइक ओके है। मैं इसको बुरा नहीं कह सकती हूँ, हाँ ये 10 में से 5 मैं इसको दूंगी या 6 दूंगी आई थिंक। तो ये भी अच्छी है बिगिनर्स के लिए, इतनी बजट फ्रेंडली भी है। यूरोप गर्ल की महंगी है यार, वो 1000 की आई थिंक मिलती है, ये इतनी सस्ती भी तो है, तो अगर थोड़ा सा 19-20 है तो आई डोंट माइंड, मुझे ये भी बहुत अच्छी है। देन मैंने इस बार एक नई चीज़ ट्राई की थी, ये है मार्स कॉस्मेटिक्स की इन्फिनिटी लिप पैलेट और मेरा नंबर है इसमें 01। तो ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत डरती थी लिप पैलेट्स को लेने में, मुझे लगता था पता नहीं लिपस्टिक्स अच्छी होती है कि नहीं, काम करेंगी कि नहीं ब्राइडल मेकअप में या पार्टी मेकअप में, जब मैं यूज़ करूँगी तो वो उतना अच्छा रिजल्ट देंगी नहीं,
देंगी या नहीं, बट ये काफ़ी सस्ती थी, मैंने कहा चलो एक बार मैं रिस्क ले लेती हूँ, इतनी कम रेंज की है, नहीं भी करेगी तो इट्स ओके। एंड इसने भी मेरा दिल जीत लिया, इसने बहुत अच्छे से अपना काम किया। और बेस्ट पार्ट इसमें है, इसमें वाइट कलर मिलता है एंड ये डार्क ग्रेइश कलर है, लाइक ब्लैक सॉर्ट ऑफ। आप इससे मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे शेड्स बना सकते हो। एंड लुक एट द लिप कलर, इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, मैंने एक स्वॉच में अपना ये लिपस्टिक कंप्लीट किया था। एंड ये देखिए आप, ट्रांसफर प्रूफ भी है, लाइक जब ये मैट जब ये ड्राई हो जाएगी तो हल्का सा कलर दे रही है, आई थिंक थोड़ा सा अभी और ड्राई हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस पैलेट ऑल्सो। एंड इसमें एक ब्रश भी प्रोवाइड किया है उन्होंने, जिसमें कि आपको दूसरे साइड में एक स्पूली मिल जाती है, तो आप उससे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल कर एंड अपने लिप्स पे अप्लाई करो, ताकि वो हाइजीनिक भी रहेगा और आप दूसरों पर यूज़ भी आसानी से करोगे। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा एंड ये लिप पैलेट भी मुझे बहुत पसंद आई। थम्स अप टू दिस, लाइक ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स मुझे सभी बहुत अच्छे लगे, सबको मेरा बिग थम्स अप है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है मेरे पास मार्स स्प्रेडिंग कलर्स इन योर लाइफ की ये पैलेट, इसका नाम है यही है स्प्रेडिंग कलर्स इन योर लाइफ, नो आई डोंट नो, इसमें लिखा है मार्स स्प्रेडिंग कलर्स इन योर लाइफ 39 हाई पे ऑफ मैट एंड शिमर आई शेडोज। लुक एट द क्वालिटी गाइज, दिस इज द प्लास्टिक पैकेजिंग, लाइक हुडा ब्यूटी वाले भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में बनाते हैं अपनी आई शेडो पैलेट्स। एंड दिस मार्स कॉस्मेटिक्स की ये पैलेट, आई थिंक इसका प्राइस है 799 रुपीज, बट मुझे ये फ्री में मिली थी, लाइक उनका कुछ ऑर्डर, लाइक आपको 2000 का या समथिंग आप मंगाओगे तो आपको ये पैलेट फ्री मिल रही थी, तो मुझे ये पैलेट फ्री मिली है। एंड क्वालिटी वाइज, पैकेजिंग वाइज, पिगमेंट्स, कलर पे ऑफ, एवरीथिंग इज सुपर्ब। एंड इसमें जब हम ओपन करेंगे तो एक ये फिल्म है जो आपके कलर्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड लुक एट द जॉइंट मिरर, गुड क्वालिटी का एक बहुत अच्छा सा मिरर है इसमें, जिससे कि आप आराम से अपना आई लुक देख कर कर सकते हो, लाइक आप कहीं भी जाओ तो आपको एक अलग से मिरर की ज़रूरत नहीं है। एंड लुक एट द कलर स्कीम गाइस, ऑल द कलर्स आर इन हेयर, लाइक पिंक्स हैं, रेड्स हैं, न्यूड्स हैं, मेटालिक तो बहुत अच्छे हैं। मैं इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये गिफ्ट की तरह देने हैं किसी को, इसलिए मैंने इसको आज यूज़ नहीं किया, बट मैं आपको एक दो स्वॉचेस ज़रूर दिखाना चाहूँगी इसके, लाइक वाओ सो पिगमेंटेड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस पैलेट ऑल्सो। एंड ये मैंने डार्क शेड्स उठाए हैं, लुक एट द पिगमेंट्स, सो पिगमेंटेड एंड लुक एट द कलर पे ऑफ, बहुत अच्छी हैं, इसके मेटालिक्स भी बहुत अच्छे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, एक पैलेट से आप बहुत सारे वर्सेटाइल लुक कर सकते हो, लाइक आप लाइट शेड, पिंक शेड्स से आई लुक क्रिएट कर सकते हो, आप लाइक ग्रीन बनानी है तो ग्रीन कलर भी है, ब्लू भी है, पिंक्स हैं, रेड्स हैं, ऑरेंज, मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको एक अलग से पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्वालिटी इज ऑल्सो सुपर्ब, अमेजिंग पैलेट दिस इज, तो मैं इससे भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो गाइज, एक तो मुझे फ्री में मिल गई थी, लेकिन दूसरी वाली मैंने मंगाई थी क्योंकि मुझे दो पैलेट चाहिए थी, तो ये दो पैलेट्स हैं मेरे पास, तो एक मैं पूजा को देने वाली हूँ, एक मैं शाजिया अली खान को देने वाली हूँ। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना मेरे वीडियो को, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और ज़रूर इस बेल, इस घंटी को ज़रूर बता दीजिएगा, वरना आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे गाइज, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। So that's all for today. Chalti hu main until my next video comes. Bye bye. Love you all.